देवों के अंदर जो तेज है वह विद्वानों को उत्तम कामों में प्रेरित करता है और वह मनुष्यों की सब कामनाओं को पूर्ण करके उनका जीवन उत्तम और श्रेष्ठ बनाने वाला है। उसे प्राप्त करने वाला मनुष्य उत्तम अन्न, उत्तम बल और दीर्घायु से युक्त होता है। इस अन्न के बल से इंद्र ने वृत्र के सब अंग काटकर उसे नष्ट किया। अन्न रूप इंद्र अर्थात सूर्य ने प्रकाश को ढकने वाले अंधकार का नाश किया। यह अग्नि महान और धारक होने से तनून पात अर्थात शरीर को न गिराने वाला है अर्थात शरीर को शक्तिशाली बनाता है। यह अन्न स्वादिष्ट और मधुर रसों का पोषक है। यह मनुष्यों को पुष्ट करता है और इस प्रकार उनकी रक्षा करता है। इस मंत्र का देवता इलह अर्थात अन्न है। यह अन्न कल्याणकारक, सुखकारक, सबको समान रूप से पुष्ट करने वाला और हितकारी है। इसलिए इस अन्न का आदर करना चाहिए। जिस प्रकार अंतरिक्ष में अनेक तरह के वायु संचार करते हैं उसी प्रकार इस अन्न के सभी तरह के रस इन लोकों में प्रतिष्ठित हैं। अथवा रज अर्थात धूल से भरी इस पृथ्वी के सभी तरह के रस विद्यमान हैं। अन्न का दान करना ही अन्न का पोषण है। जो अकेला ही खाता है वह पाप खाता है और अन्न की हिंसा करता है। अतः हमेशा अन्न का दान करके ही खाना चाहिए। जो इस प्रकार अन्न का दान करते हुए खाते हैं वे मोटी गर्दन वाले अर्थात हृष्टपुष्ट शरीर वाले होकर सर्वत्र विचरते हैं। यह अन्न इतना महत्वपूर्ण है कि बड़े बड़े देव भी अमृत को छोड़कर अन्न प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस अन्न की शक्ति से परिपुष्ट होकर राजागण अपने शत्रु विनाश रूपी बड़े बड़े कार्यों को करते हैं। जब पानी से भरे हुए बादलों का शुभ जल अन्न के पास पहुंचता है अर्थात जब जल वृष्टि के कारण फसल अच्छी होती है तब मनुष्यों के खाने के लिए अन्न पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जल से औषधियां उत्पन्न होती हैं और औषधि से अन्न। अतः जब जल और औषधि से उत्पन्न अन्न का हम भक्षण करेंगे तब हमारा शरीर हृष्टपुष्ट होगा। जब अन्न में जौ आदि पदार्थ एवं गाय के दूध, घृत आदि पुष्टिकारक पदार्थ खाए जाते हैं तब शरीर पुष्ट होता है। हमेशा पका हुआ अन्न ही खाना चाहिए। ऐसा अन्न पुष्टिकारक, रोगों का नाशक और इंद्रियों के लिए पोषक होता है। कच्चा अन्न अनेक रोगों का कारण होता है। पके अन्न खाने से शरीर पुष्ट होता है। यह अन्न देवों को और मनुष्यों को आनंद देते हैं। जिस प्रकार एक ग्वाला बड़े प्रेम से मीठे वचन बोलता हुआ गाय का दूध दुहता है उसी तरह बड़े प्रेम से अन्न का रस निकालना चाहिए। इस प्रकार प्रेम से निकाला गया एवं प्रेम से खाया गया अन्न रस पोषक होता है। अन्य देवों द्वारा प्रदीप्त किया गया अग्नि अत्यंत तेजस्वी दिखाई देता है। यह अनेकों अन्नों को धारण करता है और यज्ञ में मधुर हवियों से संयुक्त होता है। यह अग्नि हजारों तरह के ऐश्वर्य धारण करता है। अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं वह अनेक देवों को हमारे यज्ञ में बुलाकर लावे। यज्ञ में हमारे वीर जिस पर बैठ सकते हैं ऐसे आसन बिछाते हैं जिस पर सूर्य के समान तेजस्वी जन बैठते हैं। यज्ञ के द्वार अनेक तरह से सजाए जाने के कारण विशेष तेजस्वी दिख पड़ते हैं और यज्ञ में अनेकों द्वार बनाए जाते हैं। वे सब द्वार मानो तेजस्वी पदार्थ प्रदान करते हैं। उषा और रात्रि ये दोनों प्रथम ही उत्तम तेजस्वी और सुंदर रूप वाली हैं। पर जब इन कालों में यज्ञ किए जाते हैं तब ये दोनों और ज्यादा तेज से युक्त हो जाती हैं। दिव्य और उत्तम श्रेष्ठ ज्ञानी होता उपासना कर हमारे इस यज्ञ को संपूर्ण करें। दिन और रात्रि यज्ञ में होने के कारण ये दोनों होता हैं और यज्ञ को पूर्ण करते हैं। मातृभूमि, मातृभाषा और मातृ संस्कृति इन तीनों की सदा उपासना करनी चाहिए। इन तीनों का सदा सम्मान करना चाहिए क्योंकि ये सदा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती हैं।
जो इनकी उपासना करता है वह ऐश्वर्यशाली होता है। त्वष्टा देव इस संसार के सभी मनुष्यों एवं पशुओं को बनाता है। वही सब प्राणियों में अलग अलग रूपों का निर्माण करता है और वही सभी पशुओं को बढ़ाता है। यज्ञ की समिधाएं अग्नि को प्रज्वलित करती हैं। उस प्रज्वलित अग्नि में हवि डाली जाती है और वह हवियां देवों का भोजन तैयार करती हैं। यह अग्नि हमेशा देवों के आगे रहता है, इसलिए इसे अग्नि कहा है। यज्ञ में अग्नि के प्रज्वलित होने पर गायत्री छंद के मंत्रों का पाठ किया जाता है और अंत में स्वाहा शब्द के साथ उस अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं, जिनसे अग्नि और अधिक प्रज्वलित होता है। धन भी हमेशा उत्तम मार्ग से ही प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह सर्वव्यापक प्रभु हमारे सब कर्मों को जानता है। उसकी प्रतिदिन प्रार्थना करने से मनुष्य पाप कर्म से दूर रहता है। हम सदा कल्याणमय मार्ग पर चलते हुए सारे दुखों से पार हो जाएं और यह सारा विश्व हमारे लिए सुखदायक हो, ताकि हम अपने पुत्र पौत्रादिकों के साथ आनंद से रह सकें। अग्नि में प्रतिदिन हवन करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं, पर जो हवन नहीं करता वह रोगी रहता है। इसलिए हवन कल्याण की प्राप्ति का एक मुख्य साधन है। वह सदा उत्साह से भरपूर अग्नि अपने उपासकों की हर तरह से रक्षा करता है, इसलिए वे कभी भी भयभीत नहीं होते। यह अग्नि दुष्ट शत्रु एवं हिंसक प्राणियों से अपने उपासकों की रक्षा करता है। अग्नि की उपासना करने वाला शरीर से पुष्ट होकर हिंसक और निंदक व्यक्तियों को दूर करता है। वह कुटिल आचरण से सर्वदा दूर रहता है। यह दोनों तरह के मनुष्यों को जानकर केवल सत्कर्मियों का ही पक्ष लेता है। यह सब मनुष्यों का गुरु है और उन्हें सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। यज्ञ के पलक इस अग्नि के लिए सब स्तुति करते हैं। हम इन इंद्रिय रूपी ऋषियों को बलवान कर अनेक प्रकार के धन को प्राप्त करें। इंद्रियों को बलवान अपने शरीर में प्राणाग्नि को बलवान बनाकर ही किया जा सकता है। उत्तम तेजस्वी और शास्त्र ज्ञान से पूर्ण उत्तम विद्वान का भाषण विद्वान और साधारण मनुष्य सभी श्रद्धा एवं भक्ति से सुनते हैं। वह शास्त्र ज्ञानी सबसे प्रेम करने वाला मधुर भाषण करने वाला होने से सबके द्वारा पूजा के योग्य होता है। ऋतु के अनुकूल कही गई वाणियां उसकी सेवा करती हैं, उसकी स्तुति करती हैं। जिसने नौ रचना के समान देव बनने की इच्छा करने वाले को उत्पन्न किया, स्वच्छ वायु के समान वह बृहस्पति यज्ञ में श्रेष्ठ वस्तुओं के साथ अपनी व्यापक शक्ति के साथ उत्पन्न हुआ। जो राक्षस भाव रहित इसके अपने कर्तृत्व से भयंकर सिंह के समान बलवान है, यह बृहस्पति के समीप से की गई स्तुति को तथा नमस्कार के लिए ऊपर किए हाथ जोड़ने को तथा श्लोकों को सूर्य के बाह फैलाने के समान स्वीकार करे। इस बृहस्पति का यश द्युलोक और पृथ्वी लोक में फैलता है। घुड़दौड़ के घोड़े के समान विद्वानों का भरण पोषण करने वाला विशेष बुद्धिमान यह बृहस्पति लोकों की सहायता करने का प्रयत्न करता है। मृगों को मारने के शस्त्रों के समान बृहस्पति के ये शस्त्र दिनों में छली शत्रुओं की ओर जाते हैं, उनको मारते हैं। हे देव, जो धनवान पापी जन हैं, वे कल्याण करने वाले तुझको बूढ़ा बैल अर्थात निर्वीर्य मानकर निरुपद्रवी मानकर तेरे पास जाते हैं और जीवित रहते हैं। ऐसे दुष्ट बुद्धि वाले को तुम धन नहीं देते हो। हे बृहस्पति, तुम सोम पान करने वाले को ही चुनते हो। यह बृहस्पति उत्तम रीति से जाने वाले तथा उत्तम अन्न के लिए उत्तम मार्ग के समान है। कठिनता से रोके जाने वाले मनुष्य के लिए चारों ओर से प्रेम करने वाले मित्र के समान है। निष्पाप होकर जो मनुष्य हमारे सामने दृष्टि फेंकते हैं, वे अज्ञान से ढके रहने पर भी अज्ञान को हटाकर ज्ञान वाले होते हैं। जिस बृहस्पति को स्तोत्र भूमियों के समान तथा समुद्र को प्राप्त होने वाली बहती हुई अनेक भौरों वाली नदियों के समान प्राप्त होते हैं। सुरों को चाहने वाला वह विद्वान बृहस्पति दोनों के बीच में बैठा हुआ नाव और जल दोनों को देखता है।
बहुतों में प्रसिद्ध बलवान सुखों के वर्षक देव की इस प्रकार स्तुति की जाती है। वह पूजित होकर हमें वीर पुत्रों वाला धन देवे, हम प्राप्त करने योग्य बलवान तेज देने वाले देव को जाने। कुछ सांप अत्यंत विषैले और कुछ सांप विषरहित होते हैं, कुछ जल में रहने वाले सांप रहते हैं, पर जब विषैले या विषरहित अथवा जलीय या स्थलीय सांप काटते हैं तो शरीर में दाह उत्पन्न करते हैं और वह दाह सारे शरीर में फैल जाता है। यह औषधि आती हुई और जाती हुई सांपों को मारती है और उन्हें पूरी तरह विषरहित करती है। सांप कई स्थानों पर रहते हैं, कुछ सरकंडों में, कुछ कुशा में, कुछ नदी तालाबों के किनारे पर उत्पन्न होने वाली घास में, कुछ मूज में और कुछ वीरण में बैठे रहते हैं, जो मनुष्य को देखकर उसके शरीर से लिपट जाते हैं। जब गायें बाड़े में और पशु अपने अपने स्थानों में सो जाते हैं तथा जब मनुष्यों की इंद्रियां भी आराम करने लग जाती हैं और मनुष्य भी सो जाते हैं, तब ये रेंगने वाले सांप बाहर आते हैं। प्रसिद्ध है कि रात को ओस चाटने के लिए सांप बिलों से बाहर आते हैं। जिस प्रकार चोर दिन भर छिपे रहते हैं और रात्रि के समय बाहर निकलते हैं, उसी तरह दिन में छिपे रहने के कारण न दिखाई देने वाले ये सांप रात के समय बाहर निकलते हैं और सबको दिखाई देने लगते हैं। अतः मनुष्यों को चाहिए कि रात के समय सावधानी से चलें फिरें। यह परमात्मा स्वरूप अग्नि अपने उपासकों को मुक्ति रूप अंतिम सिद्ध तक ले जाता है। सबसे आगे रहकर यह मनुष्यों का पूर्ण हित करता है, हर एक यज्ञ को सिद्ध करता है, ऋतुओं के अनुसार प्रकृति का परिवर्तन करता है। परमात्मा भी इस विश्व रूपी यज्ञ को सतत काल से करता चला आ रहा है, जिसमें यह ऋतुओं के अनुसार हवि देता रहता है। ग्रीष्म वर्षा आदि षड ऋतु उस यज्ञ के साधक हैं। वह सूर्यादि नाना रमणीय और अमूल्य तत्वों को अपने पास धारण करता है, जिससे वह सब प्राणियों का हित करता है। इसलिए प्राचीन और नवीन ऋषि अर्थात मंत्र दृष्टा ज्ञानी इस अग्नि की प्रशंसा करते हैं, इसकी स्तुति करते हैं। वह अग्निदेवों को बुलाकर लाने वाला है। विश्व में परमात्मा रूप अग्नि सूर्य चंद्र वायु आदि देवों का शासक है। शरीर में प्राण रूप अग्नि नेत्र कर्ण मुह नाम आदि देवों की शक्तियों पर शासन करता है और समाज में ब्राह्मण रूपी अग्नि विद्वानों शूरवीरों धनिकों और कर्मवीरों पर शासन करता है। अग्रणी अपनी प्रजा को वीरता से परिपूर्ण यशस्वी और पुष्टिकारक धन को प्रदान करें। धन ऐसा हो जो राष्ट्र की प्रजाओं में वीरता भरने वाला हो। ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रजा विलासी या कायर न बन जाए। वीरता रहित धन किस काम का? यदि धन मिल भी जाए तो वीरता के अभाव में उस धन की रक्षा किस प्रकार होगी? अतः प्रजा वीर हो, सब पुष्ट हो, वह पुष्टि भी वीरता पूर्ण हो, धनवानों की तरह चर्बी वाली पुष्टि न हो, वह धन यश देने वाला हो। लोग धन का संचय अपने भोगों के लिए ही न करें, दूसरों के हित के लिए ही धन का संचय किया जाए, दान देकर यश प्राप्त किया जाए। वेदों में कहा है कि जो स्वयं के लिए ही भोगों का संचय करता है, वह मानो केवल पापों का ही संचय करता है। अतः मनुष्य जो कुछ भी संचित करे वह देश हित के लिए ही करे और इस प्रकार यश का संपादन करे। अतः अग्रणी इस तरह का धन राष्ट्र में सुरक्षित रखे, जो धन प्रजा को वीरता पुष्टि और यश प्रदान करने वाला हो। इस अग्रणी का यज्ञ या कर्म अध्वरम हिंसा कुटिलता कपट और छल से रहित होता है। इस अग्नि के यज्ञ में कायिक वाचिक और मानसिक कुटिलता जरा भी नहीं रहती। इसलिए यह अग्रणी उन्हीं कर्मों को सफल बनाता है जो हिंसा और छल कपट से रहित होते हैं। यह परिभू है। परिभूह के अर्थ हैं शत्रु का पराभव करना, उन पर विजय प्राप्त करना, शत्रु का नाश करना, शत्रु को चारों ओर से घेरना आदि। यह अग्रणी शत्रु का पराभव करके अपने हिंसा रहित यज्ञ कर्म को सफल करता है। यह भाव यहाँ परिभू शब्द में है।
ऐसा कुटिलता रहित श्रेष्ठ कर्म देवों तक जाकर पहुंचता है, अर्थात देवों को लक्ष्य करके किए जाने वाला कर्म छल कपट हिंसा आदियों से रहित ही होना चाहिए। यह अग्नि कवि क्रतुः है। यह पद ज्ञान और शक्ति का बोधक है। कवि पद ज्ञान का और क्रतु पद कर्म का द्योतक है। इस प्रकार ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाला कवि क्रतुः कहलाता है। मनुष्य को प्रथम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर उस ज्ञान का उपयोग करके सुयोग्य कर्म करना चाहिए। इसी अग्नि को अंगिरा कहा है। यही अंगिरस भी है। इस शरीर में एक प्रकार का रस बहता रहता है जो शरीर को उत्साह से और चैतन्य से भरपूर बनाए रखता है। इसे जीवन रस भी कह सकते हैं। इस जीवन रस को शरीर में उत्पन्न करने और उसे अंग प्रत्यंगों में प्रवाहित करने वाला अग्नि ही है, इसलिए इसे अंगिरस कहा है। पेट में जठराग्नि है जो पेट में पड़े हुए पदार्थों को पचाकर उसका रस बनाती है और फिर उस रस का सारे शरीर में संचार होता है। यह जीवन रस जिसके शरीर में जितना उत्तम होगा उतना ही मनुष्य का शरीर फुर्तीला और उत्साहमय होगा। ऐसे इस अंगिरस अग्नि का यह व्रत है कि जो इसे दान करता है उसका यह अग्नि कल्याण करता है। उदाहरणार्थ जो इस जठराग्नि को उत्तम उत्तम पदार्थ प्रदान करता है उसके शरीर को पुष्ट बनाकर यह जठराग्नि उसका कल्याण करती है। यह इस अग्नि का व्रत है जो कभी टूटता नहीं। उत्तम पदार्थों के खाने से जो अंगरस बनता है उससे मनुष्य का शरीर सुंदर बलवान वीर्यवान तेजस्वी दीर्घजीवी उत्साही कार्यक्षम और ओजस्वी बनता है। इसी तरह समाज या राष्ट्र में भी अग्रणी दानियों का कल्याण करें। जो देश या समाज के हित के लिए अपना धन मन और तन अर्पण करते हैं उनका हर तरह से कल्याण करना चाहिए। यह देव ऐसा है कि जो हिंसा रहित कुटिलता रहित और शुभ कर्मों का ही अधिपति होता है। ऋत नामक जो अटल सत्य नियम है उनका यह संरक्षण करता है। यह स्वयं प्रकाशमान है। इस अग्नि की उपासना करता हुआ मनुष्य हिंसा रहित छल कपट रहित कुटिलता रहित कर्म करता जाए। स्वभाव से ही वह कर्म करे, सत्य का पालन और संरक्षण करे, प्रकाशित होवे, तेजस्वी बने, अपने स्थान में घर में और देश में बढ़ता रहे। यह अग्रणी परमात्मा हम मनुष्यों के लिए पिता के समान है। जिस तरह पुत्र के लिए पिता सुप्राप्य है अथवा पुत्र को पिता से मिलने में कोई अड़चन नहीं पड़ती उसी प्रकार मनुष्य के लिए भी परमात्मा सुप्राप्य है। वह जब चाहे परमात्मा का सहवास प्राप्त कर सकता है। केवल आवश्यकता है लगन की। मनुष्य में यदि लगन हो तो परमात्मा उसके लिए सहज ही सुप्राप्य होता है। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का कल्याण करने के लिए उसका मार्गदर्शक बनता है उसी प्रकार परमात्मा इस मनुष्य का मार्गदर्शक है। इसी तरह समाज में भी नेता अपनी प्रजा का पुत्रवत पोषण करे, उसे उत्तम मार्ग से ले जाए। इस प्रकार प्रथम सूक्त में मधुछंदा ऋषि ने अग्नि के रूप में एक आदर्श ब्राह्मण के जो आदर्श रखे हैं वे संक्षेप में इस प्रकार हैं। ब्राह्मण पौरोहित्य ऋत्विक कर्म और हवन कर्म में प्रवीण बने। अंगरस की विद्या चिकित्सा शास्त्र में प्रवीण हो। सत्य का पालन करे, हिंसा रहित कर्म करे, स्वयं ज्ञानी बनकर प्रजा के द्वारा श्रेष्ठतम कर्म करे, अपने स्थान में श्रेष्ठ बने, धन पोषण और वीरों का यश प्राप्त करे, श्रेष्ठ बने और श्रेष्ठों के साथ रहे, उदार दाता का कल्याण करे, सबका हित करने का यत्न करे। जैसे पिता पुत्र का संबंध प्रेम का होता है वैसे ही प्रेम का संबंध निर्माण करे, कभी द्वेष न करे, प्रतिदिन सुबह शाम नम्र होकर ईश्वरोपासना करे। आदर्श राजदूत यह अग्नि देवानाम दूतः भी है। यह मनुष्यों द्वारा दी गई हवि को देवों तक पहुंचाता है। लोक में एक राज्य से दूसरे राज्य में जो जाता है और अपने राजाओं का संदेश दूसरे राज्य के अधिकारियों को
उत्तम रीति से पहुंचाता है और अपने राजा का कार्य जो उत्तम रीति से करता है वह उत्तम राजदूत कहता है। ऐसा राजदूत अग्नि है। अग्निर्देवानाम दूत आसीत, उष्णा काव्यो असुराणाम, अग्निदेवों का और काव्य उष्णा असुरों का दूत है, ऐसा तैतरीय संहिता में कहा है। इस उत्तम दूत रूपी अग्नि के गुण इस प्रकार हैं। विश्ववेदः, यह सब प्रकार के ज्ञान से युक्त है, इसके पास सभी प्रकार के धन हैं। उसी प्रकार दूत भी हर तरह के ज्ञान और धन से युक्त हो। यज्ञस्य सुक्रतुः, वह अपने ऊपर सौंपे गए कार्य को उत्तम रीति से निभाता है, पर वह हमेशा उत्तम कार्य को ही करता है। पुरुप्रियः, वह सबको प्रिय है। ईडयः, प्रशंसा के योग्य कर्म करने वाला है। जुह्वा आस्यः, अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी भाषण करने वाला हो। प्राविताः, उत्तम संरक्षण करने की शक्ति उसमें हो। इन गुणों से युक्त यह अग्नि देवों का श्रेष्ठतम दूत है। रोग निवारक अग्नि, अग्नि को विश्व संभुवम कहा है, अर्थात यह हर तरह का कल्याण करता है। जिसके शरीर में यह अग्नि उत्तम रीति से कार्य करती है वह मनुष्य रोगों से प्रभावित नहीं होता। उसके शरीर में रोग प्रतिबंधक शक्ति अच्छी होती है, इसलिए वह कभी रोगी नहीं होता। अमी वचातनः, बिना पचे अन्न का आव पेट में बनता है। अन्न के न पचने से पेट में कब्ज हो जाती है। यही आम अर्थात बेपचा अन्न नाना रोगों को उत्पन्न करता है, इसलिए रोगों को वेद में अमीव कहा है। यह अग्नि अमीव अर्थात रोगों को चातन अर्थात नष्ट करने वाला है। यह रोगों का समूल उच्चाटन करता है। जिस मनुष्य की जठराग्नि प्रदीप्त होती है उसका सारा भोजन आसानी से पच जाता है और उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार बाहर भी अग्नि जलाकर उसमें यदि उत्तम उत्तम और आरोग्यदायक पदार्थों की हवि दी जाए तो उससे वायु में स्थित रोग जंतु जल जाते हैं और वायु शुद्ध होकर सर्वत्र निरोगता फैलती है।